Hello, my dear children. I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to cover the chapter Deep Water, and it's an excerpt from Of Man and Mountains by William O. Douglas. So let's start. First of all, the writer of this chapter, William O. Douglas, he was born in the year 1898 and was died in the year 1980, was born in Maine, Minnesota. After graduating in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima, and after that, when he got tired of all these things, he pursued a legal career. And he became a leading advocate of individual rights. So, let's see the introduction. Deep Water is an excerpt taken from Of Man and Mountains. So, Deep Water एक excerpt है, एक extract है. कहाँ से लिया गया है? Of Man and Mountains से लिया गया है. It reveals how as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इस चैप्टर में बताया गया है कि विलियम डगलस जब एक यंग बॉय था तो वो ई वॉज drowned, वो बिल्कुल एक पूल में डूबने ही वाला था. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. And इस essay में वो बात करते हैं विलियम डगलस अपने फियर की, जो कि उनको वाटर से था, एंड उस वाटर फियर के बाद कैसे उन्होंने उस अपने फियर पे जीत हासिल की. ओवरकेम मींस विन, ही वन, वो जीत गए थे. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. तो इसमें नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि उन्होंने अपने वाटर फियर को ऑटोबायोग्राफिकल सिलेक्शन, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट से समझाया है. ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स खुद की लाइफ की हिस्ट्री से उन्होंने बताया है कि उनको कैसे वाटर से फियर था, एंड उसका डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यूज़ करके वाटर से जो उनका फियर था उसका डिस्कशन यहाँ पे किया है इस चैप्टर में. सो लेट स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. विलियम ओ डगलस रिकॉल्स अ मिस एडवेंचर ऑफ चाइल्डहुड. मिस एडवेंचर मीन्स कोई ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट जो उनके बचपन का था, उससे उनको बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चुनेट, जो दुर्भाग्यवश जो उनकी लाइफ में ऐसा हो गया था, चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस उनका, उसको रिकॉल करते हैं. रिमेंबर मींस रिकॉल मींस उसको रिमेंबर करते हैं, उसको याद करके बता रहे हैं. इट हैड हैपेंड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड. ये कब हुआ था? व्हेन ही वाज 10, या तो वो 10 या 11 साल के थे. ही हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. उन्होंने डिसाइड किया कि उनको तैरना सीखना है. देयर वाज अ पूल एट YMCA इन याकिमा विच वॉज सेफ. तो वहाँ पे YMCA पूल था. कहाँ पे? द प्लेस वॉज याकिमा, बट दैट वॉज सेफ. लेकिन वो सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड 9 feet डीप एट द अदर. तो फर्स्ट जो उसका किनारा था वहाँ की तरफ, वो 2 or 3 feet ही गहरा था, और जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो वहाँ पे उसकी जो फैदम थी, उसकी जो गहराई थी, दैट वॉज 9 feet. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मीन्स उसका जो ढलान था, गहराई थी, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाती थी. शुरू में बहुत कम, एंड आगे जाते जाते जो गहराई थी वो ज़्यादा होती जाती थी. ही गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. सो वॉट ही हैड विद हिम, उनके पास एक वाटर विंग्स थे जिनसे कि वो पूल में अपने साथ लेके गए थे. ही हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू वाटर एंड शो हिज वेरी थिन लेग्स. उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपनी दुबली पतली टांगों से चलना. कहाँ पे? वाटर में. मीन्स अपनी दुबली पतली टांगे दिखाना वाटर में उनको पसंद नहीं था. द ऑथर हैड डेवलप्ड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वॉज 3 or 4. सो ऑथर के मन में डेवलप हो गया था क्या? एवर्जन. एवर्जन का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग फॉर समथिंग. क्योंकि वाटर के लिए उनके मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रिड की फीलिंग उनके मन में पैदा हो गई थी. हिज फादर हैड टेकन हिम
टू द बीच इन कैलिफोर्निया. सो व्हाट हैपेंड वंस, एक बार उनके फादर उनको कैलिफोर्निया की बीच पे लेकर के गए. दे स्टूड टुगेदर ऑन द सर्फ, तो वो दोनों कहाँ पे खड़े थे, सी वेव्स पे. सर्फ मीन्स सी वेव्स पे खड़े थे. द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड सडनली व्हाट हैपेंड, इतनी जोर से वेव्स आई जिन्होंने उसे डगलस को गिरा दिया. एंड स्वेप्ट ओवर हिम, एंड उनके ऊपर से सारी की सारी वेव्स निकल गई. ही वॉज बरिड अंडर वाटर, नाउ वाटर उनके ऊपर था एंड वो वाटर के नीचे थे. हिज ब्रीद वॉज गॉन, एंड उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ब्रीद प्रॉपरली आ नहीं रही थी क्योंकि उनके ऊपर से वाटर, वो वाटर के अंडर थे, हल्का सा वाटर था. ही वॉज फ्राइटेंड बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड, वो छोटे बच्चे थे इसलिए वो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा. ही वॉज सो मच फ्राइटेंड. हिज फादर लाफ्ड टू सी ऑल दीज थिंग्स, फादर लाफ्ड, बट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स फिल्ड टेरर इन द यंग ऑथर्स हार्ट. लेकिन उन थोड़ी सी वेव्स ने भी क्या कर दिया था, फिल्ड वाटर इन दिस यंग ऑथर्स हार्ट. इस ऑथर के हार्ट में एक डर फैल गया था ड्यू टू दैट इंसिडेंट, और वो इंसिडेंट कहाँ का था, कैलिफोर्निया का. अनप्लेजेंट मेमोरीज वर रिवाइव्ड व्हेन ही वेंट टू YMCA पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब वो फर्स्ट टाइम YMCA पूल में गए तो ये जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, जो बुरी मेमोरीज थी, उनके मन में फिर से रिवाइव हो गई, फिर से वहाँ पे उनके मन में उनको याद आ गई. चाइल्डिश फियर्स वर स्टियर्ड, और बचपन का जो फियर था उन्होंने फिर से उनको हिला के रख दिया. बट सून ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉन्फिडेंस, फिर से करेज गैदर किया, अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया. ही अपना आत्मविश्वास फिर से पुनः जगाया उन्होंने. ही वॉच्ड अदर बॉयज पेडलिंग ऑन वाटर विद देयर वाटर विंग्स. अब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बॉयज़ हैं एंड दे आर पेडलिंग, मीन्स मूविंग ऑन वाटर यूजिंग देयर वाटर विंग्स. तो बहुत सारे वहाँ पे बॉयज़ हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, पेडलिंग कर रहे हैं. दे आर मूविंग इन वाटर यूजिंग देयर विंग्स. ही ट्राइड टू लर्न बाय इमिटेटिंग देम, एंड उन्होंने भी उनको इमिटेट करते हुए, इमिटेट मीन्स उनको फॉलो करते हुए, उनकी नकल करते हुए वैसा ही सीखने की कोशिश की. ही डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, एंड ऐसा उन्होंने रिपीटेडली 2-3 days किया, 2-3 times किया अलग अलग दिन में. ही वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील कम्फर्टेबल इन द वॉटर वेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. अब वो थोड़ा सा उनको कम्फर्टेबल लगने लगा था, 2-3 बार जब उन्होंने ऐसा ट्राई कर लिया था, उसके बाद सडनली वॉट हैपन, ये मिस एडवेंचर यानी कि ये जो मिस फॉर्चुनेट थिंग उनके साथ हो गई थी, ऐसी दुर्घटना उनके साथ हो गई थी. वेन ही वेंट टू द पूल, सो वॉट हैपन, वॉट वॉज दैट मिस एडवेंचर, क्या हुआ था. वेन ही वेंट टू द पूल देर वॉज नो वन एल्स, वहाँ पर और कोई भी नहीं था. सो ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. सो वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स दैट अदर पीपल विल कम या अदर बॉयज विल कम. आफ्टर दैट ही विल स्टार्ट इमिटेटिंग देम, आफ्टर ही विल स्टार्ट फॉलोइंग देम. Shortly afterwards, a big boy, a boxer came. Now when he was waiting for the other boys, what happened? Ek boxer wahan pe aaya. He was probably 18 years old. Wo bahut bada tha, uski age maybe 18 years hogi. And had beautiful muscles on his legs and arms. Means he was, uski body bahut shandar thi. Uski muscles bhi, uski legs aur arms mein bahut achhi thi. He called the author skinny. उसने ऑथर को क्या बोला, विलियम डगलस को क्या बोला, स्किनी. स्किनी मीन्स पतलू, दुबला पतला कह के बुलाया. एंड आस्क्ड हाउ ही वुड लाइक टू बी प्लंज्ड इन वाटर, कि वो वाटर में कैसे जाना पसंद करेगा. हाउ ही विल जंप और डाइव क्विकली इन द वाटर. प्लंज्ड इन वाटर का मीन्स होता है वाटर में डाइव और जंप इन वाटर. तो वो कैसे इतना दुबला पतला होके कैसे वो वाटर में जा पाएगा. सो द बॉक्सर बॉय picked Douglas and threw him into the deep end. And उस boxer ने Douglas को उठाया और कहाँ तक फेंक दिया, जहाँ पे deep end, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई थी water की, वहाँ पे उसको फेंक दिया. He struck water in a sitting position. Actually when he was threw into water, वो कैसी पोजीशन में थे, सडनली वो सिटिंग पोस्चर में थे. ही स्वेलोड वाटर एंड एट वंस वेंट टू द बॉटम, और जैसे ही
वो सिटिंग पोस्चर में वाटर के अंदर फेंके गए, उन्होंने बहुत सारा वाटर स्वेलो कर लिया, निगल लिया बहुत सारा पानी एंड वो वाटर के बॉटम तक पहुंच गए, वाटर की बिल्कुल गहराई तक पहुंच गए। ही वॉज फ्राइटन्ड, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बट डिड नॉट लॉस हिज विट्स, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो उनका एफर्ट था वो जारी रखा। ही मेड अ प्लान, सो फॉर दिस वॉट डिड ही डू, ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड ही मेड अ प्लान टू कम आउट फ्रॉम दैट वाटर। ही वुड मेक अ बिग जम्प व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। सो व्हाट वॉज द प्लान, कि जैसे ही वो उसके बॉटम तक पहुंचेंगे, उनके फीट बॉटम को टच करेंगे, वो पूरा अपना जोर लगा के क्या करेंगे, वाटर के जो सरफेस है, लेवल है, वहां तक आ जाएंगे। ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, लाई फ्लैट ऑन इट एंड देन पेडल ऑन द एज ऑफ द पूल। सो व्हाट डिड ही डिसाइड, he decided that when he will be at the bottom, जैसे ही उनकी legs bottom को touch करेंगी, वो फटाफट अपना पूरा effort लगा के surface की तरफ आ जाएंगे एक cork की तरह, and वो flat होकर के edge paddling करते हुए edge तक आ जाएंगे उस pool की तरफ। Those 9 feet appeared more than 90 actually where he was, जहाँ पे वो थे वहाँ पे उसकी जो फैदम थी, उसकी जो गहराई थी, वो कितनी थी, 9 feet, एंड ये गहराई आज उनको, वो जो डेप्थ थी वाटर की, वो उनको कितनी लग रही थी, मोर देन 90 feet से भी ज़्यादा उनको लग रहा था, उनसे वो 9 feet पार नहीं हो रहा था। बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मीन्स अब उनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी, बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि उनके, मतलब वो इतने ज़्यादा उनके जो लंग्स थे वो ही बर्स्ट होने को हो रहे थे, मतलब वो बिल्कुल अपनी शक्ति खो चुके थे, अपनी ताकत खो चुके थे। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही उनके फीट ने बॉटम को टच किया, ही मेड अ ग्रेट जंप अपवर्ड्स, उन्होंने पूरी ट्राई करी कि वो ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को खींच करके ले आए टू द सरफेस, बट ही फेल्ड टू रीच द सरफेस एट वंस, ही केम अप स्लोली, लेकिन वो पूरी जितना उन्होंने जोर लगाया था उसके साथ क्विकली सरफेस पे आने में फेल हो गए, वो ऐसा कर नहीं पाए, एंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब आ रहे थे, हिज आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तो सडनली उनकी आईज और जो नोज थे वो तो वाटर से बाहर आ गए, बट नॉट हिज माउथ, स्टिल हिज माउथ वॉज इन साइड द वाटर। ही मूव्ड अराउंड हिज लेग्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर सरफेस में उन्होंने अपनी लेग्स चारों तरफ मूव की। ही स्वेलोड वाटर एंड चॉक्ड, लेकिन उन्होंने बहुत सारा वाटर स्वेलो कर लिया था, जिसकी वजह से उनका गला जो था वो चौक हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि वो अपने लेग्स को ऊपर तक ला सकें, बट दे हंग एज डेड वेट्स, मतलब लेकिन वो क्या थी, वहीं पे लटक गई जैसे कि वो डेड हो चुकी हों इस तरह से, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, देयर वॉज नो कैपेसिटी। ही अगेन वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल, जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करते, अगेन एंड अगेन वो क्या, वाटर के बॉटम तक जा रहे थे, उस पूल के बॉटम तक पहुंच जाते थे। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर बिकॉज टेरर हैड सीज्ड हिम, सो जैसे ही वो वाटर के अंदर जाते, उन्होंने वाटर के अंदर श्रीकिंग शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड क्राई साउंड क्रिएट करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा पिच पे, लेकिन बिकॉज टेरर हैड सीज्ड हिम, लेकिन जो टेरर था, उन्होंने डर ने उनको कस के पकड़ रखा था, सीज्ड हिम मींस कॉट हिम, यू कैन से होल्ड ऑफ, कस के पकड़ना। ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग, वहाँ पे एक तरह से वो पैरालाइज हो चुके थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बट हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हेड टोल्ड हिम दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन उनकी हार्ट बीटिंग जो थी, उनका हेड जो था, उनका जो माइंड था, वो उनको अभी भी कह रहा था कि यू आर स्टिल अलाइव, कि तुम अभी भी क्या हो, जिंदा हो। व्हेन ही हिट द बॉटम ही जंप्ड विद हिज फुल माइट, अब वो वापस से जब बॉटम की तरफ गए तो क्या हुआ, उनका जो उनके जो लेग्स थे, उन्होंने बॉटम को जैसे ही टच किया तो उन्होंने पूरी फिर से अपने पूरे एफर्ट लगाए, पूरी अपनी माइट, मतलब पूरी अपनी ताकत के साथ ऊपर की तरफ आने की कोशिश की, बट नो डिफरेंस, देयर वॉज नो डिफरेंस, उनकी जैसे पहली सिचुएशन थी, अब सिचुएशन फिर से वापस वैसी ही थी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम, उनके चारों तरफ पानी ही पानी था, हिज आर्म्स एंड लेग्स वुडंट मूव, उनके हाथ पाँव हिल भी नहीं पा रहे थे। ही ट्रैम्बल्ड विद फियर, एंड फियर की वजह से
हैंड्स में और लेग्स में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा शेकिंग हो रहा था, शिवरिंग हो रही थी, ट्रैम्बलिंग हो रही थी. ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल मदर, बट नथिंग हैपेंड. एंड जब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे, उनको लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने ही ट्राइड टू कॉल, उन्होंने हेल्प के लिए बुलाना शुरू किया. एंड ही कॉल्ड हिज मदर टू, अपनी मदर को भी बुलाया, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ. देन ही रोज अप, थोड़े से वो ऊपर की तरफ आए. हिज आइज एंड नोज वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वाटर, उनकी आइज और नोज वाटर से थोड़े से ऊपर की तरफ थे. ही सक्ड ऑफ एयर एंड गॉट वाटर, उन्होंने थोड़ी सी एयर जो थी, सकिंग मीन्स ड्रॉ इन टू द माउथ by contracting the muscles of lips, you can say, कुछ अपने खींचना अंदर की तरफ. तो उन्होंने एयर और वाटर अपने सेंसेस से, जो आई और नोज उनके सेंसेस थे, वो थोड़ा थोड़ा मतलब सक करना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अ थर्ड टाइम, और तीसरी बार ही वॉज गोइंग डाउन इन द वाटर. देन ऑल एफर्ट्स एंडेड एंड ही रिलैक्स्ड, तो सारे एफर्ट्स अब उनके, अब उनमें इतनी माइट नहीं बची थी, इतनी कैपेसिटी नहीं बची थी कि वो वापस से ट्राई करे, बिकॉज इट वॉज हिज थर्ड टाइम. ही ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड बट नेवर सक्सीड, बिल्कुल भी वो सक्सेस नहीं हो पाए. एंड ही रिलैक्स्ड, अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन एंड वाइप्ड आउट टेरर. अब उनके ब्रेन में क्या, उनके दिमाग में चारों तरफ अंधेरा छा रहा था. अब उनको कोई भी डर भी नहीं लग रहा था. देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ पे कोई सडन फियर की जो फीलिंग थी वो भी नहीं थी. आई थिंक ही स्टार्टेड फेंटिंग, क्योंकि ऐसा कब होता है, व्हेन वी स्टार्ट फेंटिंग. तो ही फेल्ट ड्राउजी, अब उनको कैसा फील हो रहा था, ड्राउजी मतलब उनको नींद आ रही थी. ही वॉन्टेड टू स्लीप, उनको शायद फेंटिंग फील हो रहा था, बेहोशी जैसी हालत हो रही थी. ही गेव अप ऑल अटेम्प्ट्स, एंड उन्होंने छोड़ दिए जितने भी अटेम्प्ट्स वो कर रहे थे बाहर आने के, वो सारे अटेम्प्ट्स उन्होंने गेव अप, मीन्स उन्होंने छोड़ दिए. ही फॉरगॉट एवरीथिंग, एंड वो सारी बातें भूल गए. व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, लेकिन जब उनको होश आया, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक, कि वो अपने पेट के बल लेटे हुए हैं बिसाइड द पूल. एंड व्हाट इज ही डूइंग, वॉमिटिंग मींस जो वाटर उनके पेट में भर गया था, दैट वाज कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ. द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इन सेड, जिस बॉय ने, जिस बॉक्सर ने उनको पानी में फेंका था, व्हाट डिड ही से, आई वाज ओनली फूलिंग, मींस मैं तो ओनली, आई वाज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था. समवन सेड, एंड सम अदर वॉइस वाज आल्सो देयर, The kid had nearly died, ये बच्चा तो मर ही जाता. Then they took him to the locker room. Locker room means where we changes our clothes. तो जहाँ पे क्लॉथ चेंज करते हैं, वहाँ पे उस लॉकर रूम में उनको लेके जाया गया. He walked home after several hours, और बहुत सारे घंटों के बाद वो अपने घर पहुँचे. He reached there. He was weak and trembling. So, वो बहुत ज़्यादा weakness feel कर रहे थे and trembling due to fear. किसकी वजह से? Fear की वजह से. He shook and cried when he lay on his bed. और वो बहुत ज़्यादा cry कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत से वापस आए हैं. He couldn't eat that night and due to fear, उस fear की वजह से, he didn't eat anything that night. Without eating anything, he slept for days. A haunting fear was in his heart, and बहुत सारे दिनों तक एक डरा देने वाला, बहुत भयंकर डर, एक जबरदस्त टेरर उनके चारों तरफ था, उनके हार्ट में था. He never went back to the pool, and after that he never go to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. और जब भी वो water के nearest जाते, उनको बहुत डर लगता, and वो क्या करने लगे, वाटर को अवॉइड करने लगे जितना वो कर सकते थे. अ फ्यू ईयर्स लेटर ही केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स. तो थोड़े ईयर्स के बाद उनको वाटरफॉल्स के बारे में पता चला. एंड ही वॉक्ड टू गेट इन टू देम, वो एक्चुअली वो चाहते थे, ही वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, उस वाटरफॉल्स में वो जाना चाहते थे. लेकिन वो जो हॉन्टिंग फियर था, वो बार बार जो विजिट करता था, वो फियर उनके माइंड में अगेन एंड अगेन, उसकी वजह से वो नहीं जाते थे. व्हेनेवर ही डिड सो, जब भी उन्होंने ऐसा ट्राई किया,
कहाँ पे, वाटरफॉल्स पे जाने का जब भी उन्होंने ट्राई किया, द टेरर दैट सीज्ड हिम इन द पूल रिटर्न्ड, और वो जो टेरर था, वो जो डर था, वो बार बार उन पे वापस आ जाता था. हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, एंड उनकी जो लेग्स थी वो क्या हो जाती थी, पैरालाइज हो जाती थी, काम नहीं करती थी. एंड आईसी ऑरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, एंड वो जो डर था वो क्या था, बार 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 उनके हार्ट में वापस आ जाता था. द हैंडीकैप्ड रिमेन विद हिम इवन एज टाइम पास्ड, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब भी वो जो हैंडीकैप थी उनमें, किसकी हैंडीकैप मीन्स जो वो कमी थी उनमें, जो कमी उनको फील हो रही थी, क्या थी वो, डर की, जो वो रिमेन वापस वहीं आ जाती थी हैंडीकैप उनमें, वो जो कमी जिसकी वजह से वो पानी में नहीं जा पा रहे थे, तो वो वापस आ जाती थी बार बार. एंड वो जो डर था वो बार बार उनके हार्ट में मंडराता रहता था. वेन एवर ही वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, वो डर मंडराता रहता था उनके हार्ट में. हॉन्टिंग मीन्स होता है विजिटिंग अगेन एंड अगेन, दैट फियर ऑफ वाटर विजिटिंग हिम अगेन एंड अगेन, इट रियूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, एंड इसकी डर की वजह से, पानी के डर की वजह से उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी बहुत बार वो भी रुइन, वो भी ख़राब हो जाती, क्योंकि अब वो फिशिंग ट्रिप्स के लिए भी नहीं जाते थे. ही डिप्राइव्ड हिम ऑफ, और ये पानी के डर की वजह से उनको दूर रहना पड़ता था, वंचित रहना पड़ता था. किस से, जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि पानी में तैरने के, बोटिंग करने के, कैनोइंग कयाकिंग, ये जो पानी में बोट चलाना और ये सब, ये सारी की सारी जो थी वाटर एक्टिविटीज़, उनसे वो वंचित हो गए थे, दूर हो गए थे, मीन्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर. तो ये ऑटोबायोग्राफिकल जो उन्होंने एलिमेंट डाला है वो वाटर का डिस्क्राइब करने के लिए, फियर, दैट इज़ अमेजिंग. सो ही यूज्ड एवरी मेथड, उन्होंने सारे मेथड यूज़ कर लिए. ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर, और इस फियर से निकलने के जितने भी उनको रास्ते पता थे उन्होंने वो सारे मेथड्स ही यूज्ड. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. So, what did he do? He decided that he will hire an instructor so that he could overcome his fear of water. ताकि वो अपने water का जो fear है उस पे जीत हासिल कर सके. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. So, what did he do to overcome his fear of water? He hired an instructor. Then he practiced 5 days, and every day he used to practice for 1 hour each day, means every day 1 hour. The instructor put a belt around him, and वो instructor क्या करते थे, उनके चारों तरफ एक belt बांध देते थे, a rope attached to the belt, and उस belt से एक रस्सी बंधी रहती थी. Went through a pulley on an overhead cable, और वो ओवरहेड केबल से उनकी बॉडी के चारों ओर वो बंधी रहती थी. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एंड उस जो रस्सी का किनारा था वहाँ से उनको पकड़ा, मतलब उसको पकड़ लेते थे वो, एंड रस्सी का जब वो किनारा पकड़ते थे उसके बाद ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का किनारा पकड़ के. दे वेंट ऑन हिज वे फॉर मेनी वीक्स, एंड इंस्ट्रक्टर के साथ वो बहुत सारे वीक्स तक उन्होंने ऐसा किया. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम, लेकिन जब भी वो उस वहां पे बहुत सारे टाइम तक उस ट्रिप पे जब भी वो जाते अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, तो एक पैनिक मींस एक जो डर था वो वापस से उनको होल्ड कर लेता था. सीज्ड मींस होता है कॉट, वापस से वो जो डर था, डर किस चीज़ का, वो जो सडन फियर था, पैनिक मींस सडन फियर जो था वो वापस से उनको कस के पकड़ लेता था. किस चीज़ का, वाटर का फियर, जो कि ड्रोवनिंग का उन्होंने बहुत बार एक्सपीरियंस की थी ये चीज़ें. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड द ऑथर वेंट अंडर वाटर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड हिज लेग्स फ्रोज, एंड जैसे ही बार बार उनको ये फियर होता था तो वो क्या करते थे, उनकी जो लेग्स थी वो फिर से क्या हो जाती थी, स्टार्ट फ्रीजिंग, उनकी लेग्स जम जाती थी, एक तरह से पैरालाइज हो जाता था उनकी लेग्स में, उनको लगता था
कि लेग्स आर नॉट वर्किंग, माई बॉडी लिम्स आर नॉट वर्किंग. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक. स्लैक मीन्स लेस, कम होना. तो इट वॉज 3 months बिफोर, अब 3 महीनों में उनकी जो टेंशन थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी. देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल. अब नाउ द इंस्ट्रक्टर गाइडेड हिम, उनको क्या सिखाया कि हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल व्हेन इन द वाटर, अंडर वाटर टू एक्सहेल एंड व्हेन ही कम्स अप हाउ टू इनहेल. He repeated the exercise hundreds of times. So the exercise of exhaling and inhaling continuously he repeated. Very slowly he shed some of the old panic as his head went under water. Now धीरे धीरे gradually what happened, उन्होंने shed मतलब कम होने लगा, उनका जो terror था पानी के अंदर जाके उनको जो डर लगता था वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा. Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick with his legs. तो instructor ने अब क्या exercise करनी शुरू की उनके साथ, उनको pool के एक side पे भेज देते थे and वहाँ से दूसरी side तक उनको आना होता था. He did so for weeks, और बहुत सारे weeks तक उन्होंने this exercise he did. Thus piece by piece he built a swimmer. So means piece by piece means स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ग्रेजुअली ही बिल्ट अ स्विमर. व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वो एक एक स्टेप में परफेक्ट होने लगे, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. अब उन्होंने सारे उन स्टेप्स को एक साथ इकट्ठा करके उसके बाद सारी जितनी भी टेक्निक्स थी उन सारे मेथड्स को यूज करके ही स्टार्टेड स्विमिंग. He had started practicing in October and उन्होंने ये अपनी start कब की थी, October month में अपनी practice, and in April the trainer told him that he could swim. So it took him so many months to be perfected in swimming. October, November, December, then January, February, March and April. This much time he took to be a good swimmer. He asked the author to die off and swim the length of the pool. So the instructor said him what to do. To dive off means पानी के अंदर डुबकी लगाने के लिए, and swim कि अंदर पानी pool की जितनी भी length है वहाँ तक swimming करने के लिए instructions मिलते थे. He began with crawl stroke. It's a type of, किस चीज़ का type है ये, जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्रावल स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ऐसे करके. तो उन्होंने किससे स्टार्ट किया, सबसे पहले क्रावल स्ट्रोक से उन्होंने स्टार्ट किया. ही आस्क्ड द ऑथर टू डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पानी में डुबकी लगाएं एंड उसके पूल तक जाके क्रावल स्ट्रोक से स्टार्ट करें. When he swam along in the pool, tiny remnants of old terror would return. When he was trying so, old tiny remnants means छोटे छोटे डर के टुकड़े वापस आ रहे थे, means डर वापस से उनके अंदर आ रहा था कि अब उनका क्या होने वाला है. But now he could rebuke his terror. Now rebuke means डांटना, scolding. He himself, what did he do? उन्होंने खुद डर को भगाना शुरू कर दिया, डर को डांटना शुरू कर दिया. दिस वेंट ऑन टिल जुलाई, एंड ऐसा उन्होंने कब तक किया, जुलाई तक. ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, और अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं थे, किससे, अपनी स्विमिंग से. सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. सो जब वो न्यू हैम्पशायर में लेट वेंटवर्थ गए, देयर ही डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड. वहाँ पे उन्होंने ट्रिग्स आइलैंड में भी डाइविंग स्विमिंग करी. ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 miles तक वहाँ पे उन्होंने स्विमिंग करी. कहाँ पे, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे.
He swam the crawl, breast and side strokes and again and the back stroke too. तो उन्होंने स्विमिंग के अब बहुत सारे मेथड्स जो थे, बहुत डिफरेंट टाइप्स थे, कौन कौन से, क्रावल स्ट्रोक, ब्री स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, इन सारे तरीकों से उन्होंने क्या किया, स्विमिंग करनी स्टार्ट करी. द टेरर रिटर्न्ड ओनली वंस, एक बार ऐसा भी हुआ कि वंस अगेन ही फेल्ट द टेरर ऑफ ड्रोवनिंग, कि उनको पानी में वो डूब तो नहीं जाएंगे. वेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, एंड ऐसा कब हुआ, when he was, जब वो बीचों बीच थे उस lake के, he put his face under and saw nothing but bottomless water, and जब उनका face बिल्कुल water के अंदर था तो उनको क्या दिख रहा था, bottomless water, यानी water ही water है, and उसका क्या है, उसकी गहराई में उसका bottom कहाँ पे है वो नहीं नज़र आ रहा था, means water बहुत गहरा था. that time he once felt the terror of drowning again. He asked terror what it could do to him and it fled away. So, उन्होंने terror को पूछा कि अब terror उनका क्या बिगाड़ सकता है. The same moment terror fled away. Terror भाग गया, डर जो था वो भाग गया. Some doubts still remained. अब उनमें फिर से क्या था, फिर से थोड़े बहुत doubts उनके अंदर फिर भी थे. So, he went up the Titan to Conrad Meadows. अप द कॉनरेड ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, ये यहाँ पे गए टाइटन टू कॉनरेड मिडोज एंड उसके बाद कॉनरेड ट्रेल टू मेड ग्लेशियर्स, यहाँ पे पहाड़ों की चोटियों पे और यहाँ पे जब वो गए, ही कैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, तो जो वॉर्म लेक थी वहाँ के मिडोज जो थे, मिडोज मीन्स चारागाह जहाँ पे चरते हैं कैटल, वहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया. एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, तो इन्होंने क्या किया, डुबकी लगाई अगली मॉर्निंग कहाँ पे, उस लेक में, एंड उस लेक के वन शोर से लेके उसके लास्ट शोर तक, एक एंड से दूसरे एंड तक उन्होंने क्या किया, ही वेंट एंड केम बैक फ्रॉम देयर थ्रू स्विमिंग. ही शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द ईको, अब उनको बहुत हैप्पीनेस फील हुई, ही वॉज सो मच एक्साइटेड विद जॉय एंड ही शाउटेड, एंड जो गिलबर्ट पीक जहाँ पे खड़े होके ये बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाए थे, किस में, जॉय की वजह से, तो ईको करके इनकी साउंड इनको वापस सुनाई दी. ही हैड कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, अब इस तरह से उन्होंने अपने वाटर का जो एवर्जन था, जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग थी वाटर के लिए, उस पर क्या किया, विजय पाली. द एक्सपीरियंस हैड अ डीपर मीनिंग फॉर हिम, और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत बहुत बड़ा एक मीनिंग था, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी. ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट, उनके हिसाब से जिसके मन में भी कोई टेरर होता है लेकिन उस टेरर को वो अगर जीत पा लेते हैं, उस पर उसको जीत जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये एक अप्रिशिएट करने की बात है. इन डेथ देयर इज पीस, डेथ के बाद हमेशा पीस होती है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन डर क्या चीज़ है, डर केवल हमको डेथ से होता है, हमको डेथ का केवल फियर ही होता है. मींस फियर अपने आप में उतना डरावना नहीं होता जितना हम उसको सोचते हैं. एंड द सेम लैंग्वेज कौन कहते हैं, रूजवेल्ट सेज दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमको जिससे डर लगता है वो केवल डर है लेकिन वो उतना डरावना नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं. डॉगलस हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर that fear of it can produce, and Douglas ने दोनों ही experience अपनी life में लिए हैं, किसके, dying का experience भी लिया है and किस चीज़ का, terror, जो fear का terror था, fear ने जो terror उनके मन में फैला रखा था वो भी उन्होंने experience किया था. the will to live somehow grew in intensity, लेकिन उनके मन में जो जीने की जो तमन्ना थी वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत गहरी थी. एट लास्ट डॉगलस फेल्ट लिबरेटेड, लेकिन जब उन्होंने उस डर से अपने आप को लिबरेट कर दिया, वो बहुत ज़्यादा लिबरेटेड फील कर रहे थे,
अपने आप को फ्रीडम फ्री फील कर रहे थे. ही वॉज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू इग्नोर फियर. अब वो कहीं भी जा सकते थे, पीक्स को क्लाइम कर सकते थे, माउंटेन्स पे चढ़ सकते थे. इग्नोरिंग फियर मीन्स डिसमिसिंग द फियर ही वॉज हैविंग इन द प्रीवियस फेज ऑफ लाइफ. So thank you so much students. In the next video we will discuss all the question answers of this chapter. Keep watching, stay connected. Thank you.